विधानसभा चुनाव करीब है और सभी दलों के नेता वोटरों को अपनी अपनी ओर लुभाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसी बीच कानपुर में बसपा नेता के गाड़ी की चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं बसपा नेता की पहचान उरई निवासी शमसुद्दीन रायनी के रूप में की गई है। रुपए बरामद होने के बाद फ्लाइंग स्क्वायर्ड और आयकर विभाग की टीम सूचना के बाद पहुंची और बसपा नेता से पूछताछ शुरू कर दी। तो आज हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो FST टीम है चकेरी थाने में, उसने रामा देवी के पास में एक कार स्कॉर्पियो कार आ रही थी, जब उसको रुकवाया और चेकिंग के लिए उसको चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम आमीन राइन सन ऑफ शमीम राइन जो रहने वाला थाना बजरिया उरई जनपद का है। और जब थाने का फोर्स भी वहाँ पहुँचा तो उसके पास से कुछ कैश की बरामदगी हुई। जब उसको थाने पे लेके जाया गया और काफ़ी पूछताछ की गई तो पता चला है कि वो अभी तक जो उसने बताया है कि वो राज फ्रोजन प्रोडक्ट करके कोई कंपनी है वहाँ से संबंधित है। जब चूंकि उसके द्वारा जब पैसा बताया गया और लगभग 50 लाख के आसपास, तो हमने इनकम टैक्स की जो टीम है उसको भी बुला लिया है और जो भी विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। बसपा नेता स्कॉर्पियो में लखनऊ से उरई जा रहे थे, जिसके बाद रामा देवी फ्लाईओवर पर चकेरी पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। BSP नेता की गाड़ी के पीछे दो दो नंबर प्लेट देखने के बाद पुलिस को शक हुआ और इसी शक के आधार पर पुलिस ने गाड़ी रोककर जांच शुरू कर दी। गाड़ी में कोई झंडा भी नहीं लगा हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में 50 लाख रुपए मिले, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। वही पूछताछ के दौरान BSP नेता शमसुद्दीन ने कहा कि मेरी मिल और फैक्ट्री चल रही है, उसी कलेक्शन के पैसे हैं। इसके बाद भी आयकर विभाग की टीम देर रात तक पूछताछ करती रही।